داور حوض. टावर हाउस जहां लोग दिन में भी आने से डरते हैं कि जो इसके अंदर जाता है उसे मौत मिलती है, लेकिन मुझे जिंदगी मिलेगी और ऐसी जिंदगी जिसमें मजा आ जाएगा जीने का भी। Good morning, sir. Good morning. I hope I am not late. I meet Mr. Gupta, detective officer from intelligence branch. How do you do? Please sit down. टावर हाउस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी आज से इन पर है। वेल मिस्टर रामनाथ, कल जिस आदमी ने टावर हाउस पर से खुदकुशी की उसकी कोई शनाख्त हुई? नो सर, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। आई सी, टावर हाउस खुदकुशी का अड्डा बनता जा रहा है। वेरी बैड। बाय द वे, इस टावर हाउस का मालिक कौन है? यहाँ के करोड़पति सेठ दुर्गादास। ये जायदाद उन्हें अपनी बीवी की तरफ से मिली थी। आई सी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सेठ दुर्गादास के खानदान के कई लोग इस टावर हाउस पर से खुदकुशी कर चुके हैं। ताज्जुब है मिस्टर गुप्ता, आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि टावर हाउस के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ अफवाह फैला रखी है। इज इट? जी हाँ, कोई कहता है सेठ दुर्गादास की बीवी की रूह टावर हाउस पर भटकती रहती, किसी को उसके गाने की आवाज भी सुनाई देती है, किसी ने उसे ऊपर से गिरते भी देखा। फिर तो मेरे ख्याल से टावर हाउस में भूत रहते हैं।
मैं भूत भूत नहीं मानता। मिस्टर गुप्ता, अब आप ये बताइए कि आप इस केस को किस तरह हैंडल करना चाहते हैं। जी, ये मैं फिर बताऊंगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले टावर हाउस पर खुफिया तौर से नजर रखनी चाहिए। वेरी गुड मिस्टर रामनाथ। यस सर। आप आज से ही टावर हाउस पर रेगुलर वॉच रखिए। ओके सर। बाय द वे, सेठ दुर्गादास के वारिस कौन कौन है? सिर्फ एक लड़की, गैर शादीशुदा। उसका नाम है सबीता। बेबी, इस वक्त अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं। क्यों? जी बेबी, अगर आप अंदर चली गए तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। सरकार इस वक्त बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। तो ये है शिकार का एरिया और ये है मचान जहां मैं बैठा हूं। अब भीड़ शुरू होती है, निकलिए। वाह वाह वाह, वारे मेरे शेर, हम आप खड़े हो? मुंशी जी, आपको इतना भी नहीं मालूम कि शेर कैसे चलता है? किस गधे ने आपको शेर बनाया? सरकार, आपने मेरा मतलब यह है हुजूर कि मेरी तो साथ कुछ ना कोई शेर नहीं हुआ, मैं तो खानदानी लीडर हूँ। ऑलराइट, आप ऐसा कीजिए कि झाड़ियों के पीछे से छिपते छिपाते नजर बचा कर बिल्कुल दबे पांव निकलिए। चलिए, अमान इधर नहीं उधर। अब निकलिए, हरी अप, जल्दी जल्दी नहीं जो दू, अगर जल्दबाजी में बंदूक दख गई तो बीवी यतीम हो जाएगी। अच्छा, तो ये जरूरी काम हो रहा है दीदी? ओ सबीता, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? समझ गया मुंशी जी। जी, जरा चेक बुक लाइए। फरमाइए। डैडी, बात दरअसल ये है कि हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं। हम लोग? यानी कि वो भी शामिल है? देखो सबिता, मैंने सुरेश के कंसर्न का सुपरवाइजर तो बना दिया है, मगर उस जाते शरीफ को थिएटर ड्रामे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अब समझ में आया कल से जनाब ने बीमारी के बहाने क्यों छुट्टी ले रखी है। मैं कह देता हूँ सबिता, आप तो नाराज होते हैं। प्लीज लीजिए और उसपे लिखिए 5,000 रुपये। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अगर माता जी को पता चल गया तो मेरी मुसीबत हो जाएगी और फिर सविता भी आने वाली है। मीना, तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर मिलना हो तो बाहर मिला करो, अब तुम यहाँ से जाओगी कैसे बाहर? मैं देखता हूँ माता जी का। ओ सविता, कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ? मेरे साथ कोई नहीं है सविता। तुम माता जी से मिल के आई है, वो तुम्हें सुबह से बहुत याद कर रही थी। और चलो माता जी से। मैं पूछती हूँ कौन है ये जिसे तुम चुपचाप बाहर निकालने की फिक्र में थे? तो अच्छा हुआ जो मैं मुख्य तो अभी देखो। मत छुओ मुझे, पहले मुझे ये बताओ कि ये मीना की बच्ची कौन है और इसे तुम किस मीना बाजार से उठा के लाए हो? मीना? कौन सी मीना? ये हाँ। अरे ये तो ये है, समझे? सविता, 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 क्या है? सविता मेरी बात तो सुनो। मैं पूछती हूँ ये क्या हरकत है? अरे बैठे तू। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। एबीसी भी आती है मोहब्बत की? एबीसी? अरे यहाँ तो एक्स वाई जेड तक पड़े हुए हैं। एक्स वाई जेड आता ना तो यूँ चारों खाने कितना पड़े होते? अरे ये तो होता ही है, मोहब्बत के रास्ते में चलना और चलते चलते गिरना और गिर कर फिर संभल जाना और संभल कर फिर चलना। अनारकली,
अनारकली तुम कहाँ हो पूर्ण? मैं आपके करीब ही हूँ साहेब आलम, और हमेशा करीब रहती हूँ। मौत का मतलब मौत नहीं साहेब आलम, जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो हमेशा कायम रहती है। नहीं नहीं, ये झूठ फरेब है, ये हमारे पागलपन की आवाज, ये हमारा तकयुल है जो हमें धोखा दे रहा है। अनारकली मर चुकी है और मौत का मतलब है मौत। नाराज हो गए साहेब आलम? ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले, ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले, वही दो घड़ी तो तुमसे घूमे दारे तैमाना चले, ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले। मैं उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। अरे सविता कमाल हो गया, अपना शो तो बहुत ही। सविता ये क्या हुआ, घबराई हुई क्यों? सुरेश हाँ? एक आदमी आया था। अच्छा, उसकी आंखें कुछ अजीब है। अरे छोड़ो इन बातों को, जल्दी चलो, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। कमाल कमाल
कौन है तुम लोग? हट जाओ आगे से मिस्टर। ये बात है नाइस टू है। कौन थे ये लोग और आप? मैं परदेसी हूँ। इन लोगों ने मुझे टैपिस की नौकरी के लिए बुलवाया था, लेकिन आज जब कि पता चला कि लोग चोरी का धंधा करते हैं, तो मैं वहाँ से भाग निकली। खैर कोई बात नहीं, आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। घर? मेरा कोई घर नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आपने मेरी मदद की। ठीक है लेकिन देखिए इतनी रात गए, आपके ठहरने का कहीं ना कहीं तो इंतजाम होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम? ठीक है, यहाँ मेरे एक दोस्त का होटल है, आइए मैं आपको वहाँ ठहरा। थैंक यू। आइए आइए। ओ हेलो हेलो। ओ हेलो हेलो। आप लॉन्ग टाइम, कहिए कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कि ये मेरी दोस्त हैं और इन्हें एक रूम की जरूरत है। ओ श्योर श्योर। बॉय रूम नंबर 35। किस नाम पर कमरा लिखा? मिस फ्लोरेंस। मिस फ्लोरेंस। बात ये है मिस्टर सुरेश कि मैं तो सिर्फ आप ही को जानता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं है, मेरे नाम से कर दीजिए। जगदीश, मिस्टर सुरेश के नाम। बॉय बहुत अच्छे आदमी। थैंक यू वेरी मच। हर कोई बात नहीं है, ये देखिए ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा पता भी है। बात यह है कि अब मुझे कल आप टेलीफोन कर लेना, मैं इस दौरान में सेठ जी से आपके लिए बात भी कर लूँगा, शायद कोई नौकरी का सिलसिला हो जाए। So very kind, thank you. अच्छा अच्छा मुझे याद दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। शेर सिंह, पदम सिंह, तुम दोनों बैक साइड पे टावर हाउस पर नजर रखो और अलग अलग साइड पर खड़े होना, समझ गए? जाओ यहां से देखता हूँ। हेलो शेर सिंह। क्या बात है शेर सिंह जी? जाओ। गाना गा रही थी। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्या हो गया है, भला भाई यहाँ कहीं रिकॉर्ड विकार बज रहा होगा, गाने का भूतों से क्या मतलब? वो बंद करिए। आओ मेरे साथ। यही तो गिरी थी, न जाने कहाँ गायब हो गई। Come on. You want me to believe in such fantastic ghost stories? Ah! ये आपका वहम है। लोगों की बातें सुन सुनकर आपके दिमाग पर भी असर हो गया है। अच्छा ये बताइए,
आप वहां जाकर भूत को देखकर वापस आ गए या टावर हाउस के अंदर जाकर उसकी तलाशी ली? जी हाँ, मैंने वहाँ एक एक कोना छान मारा है, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई डोंट बिलीव इट। आप एज यूजुअल टावर हाउस पर बात रखिए। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आपको जरूर वहाँ कुछ न कुछ दिखाई देगा। यू कैन गो नाउ। Ghost of Tower House. Nothing wrong. I want my shoes. Good heavens, Missy Baba, देखने को मांगता ये क्या पड़ा है? Oh, thank you. Good heavens, Baba. इतना खूबसूरत मालूम पड़ रहा है। ओह यू नॉटी गर्ल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू माय स्वीट हार्ट? गुड हेवन, क्या बोलता है तू? रीटा, आई एम सो सॉरी। देखो जरा सविता जी को टेलीफोन देना। सविता को? उसका तबीयत बहुत खराब है। टू टाइम्स डॉक्टर आया। दो टाइम डॉक्टर है? क्या हुआ क्या सविता को? हेलो रीटा, हेलो। ओह गॉड, गुड हेवन, अभी तक टाइम नहीं हुआ। जैसी ब्रेकफास्ट टेबल से बुलाता है। All right, I'm coming. कमाल है, तुझसे गुड मॉर्निंग मिस सरिता, प्लीज कम सिट डाउन। कल रात को थिएटर में आपका परफॉर्मेंस देख के मैं तो हैरान रह गया। लेकिन आप यहाँ कैसे? सविता, ये मेरे पुराने दोस्त मिस्टर रंजीत हैं। कल शाम को टेलीफोन तो मालूम पड़ा कि जनाब अफ्रीका से तहसील लाए हैं और होटल में ठहरे हुए हैं। मैं फौरन जाकर इन्हें घर ले आया। कल तो मैं आपसे डर गई, खासकर आपकी आंखें देखकर। आंखें? भाई मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। हेलो सुरेश, आओ बेटा। ही इज मिस्टर सुरेश, ए ग्रेजुएट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमारे मिल्क सुपरवाइजर, ए वेरी स्मार्ट यंग मैन। वेरी प्लीज टू यू सर, सिट डाउन। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। आप अपनी कहिए, आपकी तो ठीक है ना? गुड है ना, मुझे तो सुबह निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया? अरे ये क्या कह दिया बेटा। अच्छा मिस्टर सुरेश, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कल ड्रामे में आप सलीम का रोल अदा कर रहे थे। अरे सुरेश को ड्रामे से बहुत शौक है, ही इज अ गुड आर्टिस्ट। गुड आर्टिस्ट? अजी जनाब, सूरत और अंदाज से तो ये पता चलता है यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। अजी साहब, ग्रेट तो आप हैं जो एक ही नजर में ताड़ लेते हैं। इसलिए कि फितरतन शिकारी हूं। थैंक यू। क्या हुआ सुरेश? कुछ नहीं सेठ जी, इसमें कुछ शक्ल ज्यादा हो गई थी। शिकार का प्रोग्राम तो फिक्स है। जी हाँ, आप भी चलिए ना, बहुत लुत्फ आएगा। सुरेश तुम भी चलो। हाँ डैडी, कब जा रहे शिकार पे? बेटा जाने को तो आज आपकी गाड़ी से जा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ का कारोबार कौन संभालेगा। इसमें सोचने की क्या बात है, मिस्टर सुरेश संभाल लेंगे। ही इज ए वेरी एफिशिएंट यंग मैन। क्यों सुरेश? ठीक है सेठ जी, मैं कोई शिकारी थोड़ी हूँ। नाराज हो गए? देखो सरकार, ये दो।
यूर फेवरेट रोड नो What is wrong with this flower? Huh? ये क्या मतलब? काले मिर्चों से मेरा सारा दिमाग सॉरी 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 अरे सुरेश तुम्हें एक बात बताना तो भूल गई ये जो हजरत है ना हाँ। ये कल मेरे क्लीनिंग रूम में बड़े साथ में आए थे और आज घर तशरीफ ले आए वेरी गुड अभी बुरा नहीं बुरा तो नहीं है बड़ा जिंदा फील है तो फिर क्या ख्याल है ख्याल सोच रही हूँ कि अभी तक बस चल के अरे तुम तो बिल्कुल हो Let's go.
रंजीत तमाशा तो अच्छा रहा मगर देर बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, अभी कैंसिल करते हैं। मुंशी जी। जी सर। कहाँ मर गए? देखिए सेठ जी, रास्ते में जरा होशियार रहिएगा, शेर का ख्याल रखिएगा। अच्छी बात, मैं मुंशी को लेकर आगे चलता हूँ, तुम सविता का ख्याल रखना। क्या बात है मिस्टर मुंशी, कहीं कोई खतरे की बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं, चलो कम ऑन। कोई बात नहीं, घबरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ। डैडी, डैडी कहाँ हैं? डैडी आगे जा रहे हैं, चलिए वो बोल। कहीं शेर हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? सबिता, सबिता, ये क्या पागलपन है रंजीत? चलो कैंप चलो, तुम्हारी जान का खतरा है। बेफिक्र हो सबिता, तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मुझे मरने नहीं देगी, और अगर मैं मर भी गया तो मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। हाँ जाओ सबिता। आइए मुंशी जी, आइए। कहिए, शिकार में तो बड़ा मजा आया होगा। लानत भेजे शिकार पर, वो तो हमेशा के लिए रट्टा ही खत्म हो गया था। कैसे? शेर से गलती हो गई। वो क्या? अरे भैंसे को छोड़कर बकरे को ले गया। मुंशी जी अंदर तशरीफ लाइए। और ये गलती मुझसे हो गई। मुंशी जी फरमाइए, कौन था वो भैंसा? अरे बोलता क्यों नहीं, कौन था वो भैंसा? सर, योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। आजकल आप बहुत ज्यादा काम करने लगे। और आजकल आप भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल करने लगे। मिस फ्लोरेंस, प्लीज गेट मी दैट फाइल नंबर 440। यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर। सविता, सविता मेरी बात तो सुनो। मैं सुनने नहीं, सुनाने आई थी। मुझे जाने दो, तुम्हें सुन के दुख होगा। ऐसी क्या बात है? तुम्हारी माता जी आई थी मेरे डैडी के पास बात पक्की करने के लिए। बात पक्की करने? कैसी बात? शादी की बात और कैसी बात, इतना भी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? डैडी सुनते ही आप बोला हो गए और कहने लगे इस आवारा के साथ मैं अपनी मासूम बच्ची की शादी कराऊंगा। कभी नहीं। फिर क्या होता? लेकिन एक शर्त। कहते हैं सुरेश बाबू, ये तो जिंदगी भर साथ देने को तैयार है। हाँ कीजिए।
दुह को किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राजदार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। दिल में प्यार दबा झुक झुकी झुकी नजरे, अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। और सुनाता हूँ, मैंने अपनी बेटी सविता की शादी सुरेश के साथ तय कर दी है। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? शायद मैं गलत मौके पर आ गया, I'm sorry। नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ।
बैठो बैठो रंजीत, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन तुम बचे कैसे? तुम्हें तो शेर उठा ले गया, जंगल के फीलों ने मुझे बचा लिया। सोचता हूँ कि क्यों बचा लिया। मेरी एक टांग, मेरी एक आंख। क्यों डरता? कोई भयानक सूरत देखकर डर गई। सुरेश जी, तुम सरकार को बाहर ले जाओ। अब मुझे इजाजत दीजिए, यूं ही एक नजर आप लोगों को देखने चला आया था। अब कहीं दूर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मुझे कोई ना देखे, क्योंकि अब ये सूरत किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। रंजीत, तुम्हारी इस सूरत में से जो सीरत झांक रही है, अगर मैंने उसकी कदर न की तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कोई ना होगा। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था सेठ जी। तुमने अपना फर्ज अदा किया, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। आज से तुम इसी घर में रहोगे और इस घर को अपना घर समझोगे। मुंशी जी, फौरन ही इनकी आंख और नकली टांग का इंतजाम किया। बल्ला रंजीत बाबू, बिल्कुल असली काम मालूम हो रही है। सब आए मुंशी जी। बस आए, थैंक यू, थैंक यू। भाई भला कौन कह सकता है कि तुम्हारी असली टांग नहीं है। आई सपोज यू आर नो वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर जी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा रंजीत, अब से तुम्हें मेरा पूरा कारोबार संभालना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें दो फायदे। एक तो काम काज में तुम्हारा दिल बहल जाएगा, दूसरा इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्यों, मंजूर है? सेठ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, रंजीत मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रंजीत बेकर हो सभी, तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मुझे मरने नहीं दे, और अगर मैं मर भी गया तो मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। कमिंग। मैं हूं बेटा। क्या बात है बेटी? लोग कहते हैं टावर हाउस में मेरी माँ की रूह खटकती है, उनकी आवाज सुनाई देती है। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैंने तुझे कई बार समझाया है कि इस मनहूस टावर हाउस की बात अपने दिल से निकाल दे, भूले से भी कभी वहां कदम न रखना। मैंने तेरी माँ को भी कई बार मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। नो नो, आई कांट लूज माई डियर चाइल्ड। मैं तुझे खो नहीं सकता बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकता। चलो सो जाओ, सो जाओ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। यस यस यस। अपने डैडी से वादा करो बेटा कि तुम टावर हाउस में कभी नहीं जाओगी। अब सो जाओ, सो जाओ बेटा। Thank you.
सीता मेरी बेटी आ मेरे पास आ आ माँ माँ चुप कहा माँ माँ सविता देवी आप यहाँ रात को क्या कर रही हैं मेरी माँ यहाँ उन्होंने मुझे आवाज दी माँ माँ चुप कहा माँ माँ ठीक है आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं कम ऑन आइए मुझे भी अपने पास बुला लो माँ मुझे भी अपने पास बुला लो बेटा दीदी मेरी माँ मरी नहीं मेरी माँ जिंदा है वो टोल हाउस में रहती है वो तीन बार मुझे आवाज दिया और जब मैं उसकी तरफ पड़ी अच्छा क्या हो गया दीदी सविता बेटा ऐसी बातें नहीं करते डॉक्टर साहब देखिए लगे ऐसी बातें कर रही है घबराइए नहीं सेठ जी परेशानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप इन्हें फौरन किसी हिल स्टेशन ले जाइए मैं आज ही सविता को लेकर हिल स्टेशन जा रहा हूँ जल्दी वापस आ जाएंगे ना अरे भाई आना ही पड़ेगा अगले महीने सविता की शादी जो है शादी सविता की शादी तय हो गई अपने सुरेश के साथ आई सी लवली पेयर मिस फ्लोरेंस गिव हिम दैट मैटर जी शुक्रिया मेरी दरखास्त आपने मंजूर कर ली भगवान आपका भला करे शांताराम पहले इसे पढ़ो नोटिस ये तो नोटिस है सरकार मुझे आपने नौकरी से अलग कर दिया तो क्या तुम्हें तरक्की की उम्मीद थी एक तो महीना भर गायब है खैर तुमने अर्जी दी उसे छुट्टी मंजूर कर ली गई अब तुम उस महीने की तनख्वाह भी चाहते हो गेट आउट सरकार मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ भूखों मर जाऊंगा Miss Florence, please get me that planning file. Yes, sir. अजीब बात है आपने हद कर दी मिस्टर रंजीत ये सरासर गलत ही है बेगर के अंदर आ जाना I'm sorry. That's all right. You can sit down. मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ बल्कि आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने शांताराम क्यों निकाल दिया ठहरिए ठहरिए पहले ये तो बताइए कि आप वर्करों की हिमायत करके कहीं लीडरी के ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं जी ख्वाब तो आजकल आप देख रहे हैं जब से आप यहाँ तशरीफ लाए आपने बिला वजह कई मजदूरों को निकाल दिया सेठ जी ने तो आज तक कभी किसी को नोटिस भी नहीं दी थी और आप हैं कि मामूली सी बात पर लोगों को रोजी से महरूम कर देते हैं कह चुके यू कैन गो नाउ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ अरे शांति काम आ गई क्या बात है बेटा आज बहुत परेशान मालूम होता कुछ नहीं माँ कोई खास बात नहीं तुझे मेरी पसंद बता दे क्या उसका झगड़ा है माँ सेठ जी ने उस बदमाश को ऑफिस का इंचार्ज क्या बना दिया वो हिटलर बन बैठा है मुंशी जी का तो दफ्तर में आना जाना बंद और आज उसने सोने पे सुहा गया कि मेरी भी बेइज्जती कर दी छोड़ इन बातों को पास होते मौसम
रंजीत ने भेजा है बेटा, मुझे फौरन बुलाया है। क्यों? वहाँ मिल में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, मुझे आज ही जाना है। मैं भी चलूंगी दादी। नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं फौरन फैसला करके आता हूँ। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बात है सत्यदेव, ये सब क्या गड़बड़ है? क्या बताऊं सेठ जी, ये सब हमारा ही कसूर है, आप हमें छुट्टी कर दीजिए। साफ साफ बताओ बात क्या है। तो क्या बताऊं हुजूर? तो फिर काम करना क्यों नहीं चाहते? काम काम तो करना चाहते हैं सेठ जी, लेकिन सुरेश बाबू के मातहत नहीं। सुरेश बाबू ने क्या किया है? हमें नहीं देख सकते सेठ जी कि आप क्यों। हाँ हाँ, रुक क्यों गए बताओ। खैरिये सेठ जी, मैं पूछता हूँ। इधर आओ सत्यदेव, बताओ क्या बात है। देखो सत्यदेव, तुम्हें किसी के जाति मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। क्या बात है रंजीत? सुरेश, जाति मामलात आखिर सब क्या है? पागल है सत्यदेव, जाने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ सुरेश तुम आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि मजदूरों को तुम्हारे खिलाफ क्या शिकायत है। कोई शिकायत भी हो सकती है सेठ जी, मकसद यह है कि ये लोग मेरे अंडर में अब काम करना नहीं चाहते। सुरेश के बगैर तो मिल चल सकता है, लेकिन मजदूरों के बगैर नहीं। ये रहा मेरा रिजिग्नेशन। नॉनसेंस, डिस्गस्टिंग, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा। सत्यम, तुम लोग काम पर जाओ। अच्छा सर। सब हो क्या रहा? सत्यम, तुम लोग काम पर जाओ। अच्छा सर। इधर मजदूरों को शिकायत, मगर वो कहना नहीं चाहते। उधर सुरेश अचानक इस्तीफा देकर चला गया। रंजीत, सत्य बताओ, तुमसे सत्यदेव ने क्या कहा? मिस फ्लोरेंस, प्लीज गो। बात यह है सेठ जी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनिए। फ्लोरेंस, सुरेश, इम्पॉसिबल। यकीन तो मुझे भी नहीं है। मैं कहता हूं रंजीत, ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या समझे? मैं अभी सुरेश से पूछ कर आता हूं। लॉरेंस, तुम यहां क्यों चली आई? मैं ये पूछने आई हूं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। इसलिए कि मैं ऐसे गंदे माहौल में काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूं, मैं खुद तो उठा लूंगी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। फ्लोरेंस, प्लीज फ्लोरेंस, प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। फ्लोरेंस, हालात को समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज दुर्गा भैया। जी से कोई ऐसी वैसी बात की है जो इस तरह नाराज होकर यहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए? सेठ जी के यहाँ आए थे? हाँ, और वो लड़की कौन थी? वो तो मेरी सेक्रेटरी थी। ठहरो मां, जरा मुझे सोचने दो। पहले फ्लोरेंस थी और फिर सेठ जी, अब मैं समझा मां, जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। क्या बात है बेटा? मुझे नौकरी की परवाह नहीं मां, लेकिन ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं अभी जाकर सेठ जी से इस बात का फैसला करता हूँ। सुरेश, सेठ जी मैं खुसुरवार हूँ,
मुझे सुरेश से मोहब्बत है, मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये जानते हुए कि उसकी शादी मेरी बेटी के साथ होने वाली है? शादी? ये नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे वादा किया था और सिर्फ ये कहा था। क्या कहा था? क्या बताऊं सर जी, उसने ये कहा था आपकी बेटी से झूठी मोहब्बत का ढोंगरा जाकर सिर्फ नौकरी हासिल कर लूंगा। सेठ जी मैं एक बात कह रहा हूं। सेठ जी को सब मालूम हो गया, अब इन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इनसे माफी मांग लो। क्या बकती है? ओह अब समझा, मेरे साथ एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। तू मेरे घर आई थी जली, मोहब्बत का ढोंगरा कर रही है। सुरेश मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पास मोहब्बत की तो नहीं। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बिल्कुल झूठ, धोखा है, फरेब है। धोखा? फरेब? मिस फ्लोरेंस देखे दीजिए। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये रूमर, कह दो कि झूठ है ये रूमर। देखिए जी ये अंगूठी, देखिए ये अंगूठी जो तुमने अपनी मोहब्बत की निशानी में दे दी। कह दो कि फरेब है। ओ प्लीज सर जी प्लीज, आप डीलक्स होटल में फोन करके पूछिए, मैं रूम नंबर 35 में रहती हूँ। आप ये दरियाफ्त कीजिए कि रूम किसके नाम पर है। प्लीज सर जी मावे जी, अब आप इसी गंदी बातों में ना आइए सर जी। बात दरअसल ये थी कि हेलो होटल डीलक्स मक्का जलील, तू मेरी दौलत टूटना चाहता था, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, तूने मेरी शहादत का मजाक उड़ाया है। तू कभी किसी शरीफ का औलाद नहीं हो सकता। जबान संभाल के बात कीजिएगा सेठ जी। चिट्ठी? ये तो शीला की चिट्ठी। स्वामी मैं आपकी मर्जी के खिलाफ टावर हाउस जाती हूँ। इसकी वजह ये है कि वहाँ हमारे खानदान का एक बहुत बड़ा खजाना महफूज है। इस राज को मेरे अलावा एक और शख्स भी जानता है जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसी ने मेरे पिता का कत्ल किया है और अब वो खजाने की तलाश में अफ्रीका से यहाँ आया है। लेकिन चाहे मेरी जान चली जाए मैं उसे ये खजाना न लेने दूंगी। अगर मैं मारी गई तो उस आदमी से बचिएगा। उसकी पहचान ये है, चमकती हुई आंखें और दहने हाथ में छे उंगलियां। कौन हो सकता है ये शख्स? क्या बात है सेठ जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रंजीत मुझे शक है यहाँ जरूर कोई आया था। ये आपका ख्याल है क्योंकि आज आप बहुत परेशान हैं। क्या बात है सेठ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा कला सूख रहा, पानी पानी। आप बैठिए सेठ जी, मैं पानी लेके आता हूँ। प्लीज आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं सेठ जी, आराम कीजिए। गुड बाय। उंगलियां चमकती हुई आंखें, ये वही आदमी, ये वही आदमी फ्लोरेंस जी से मिलने आई थी। तो क्या सुरेश बेकसूर है? हेलो सुरेश, मैं दुकानदार बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है, तुम फौरन चले आओ फौरन।
पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, जैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अब क्या करूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं, नहीं। सविता को होशियार कर दूं, सविता को। यस जो कहा था वो कर दिखाया। दिन में खून की धमकी दी, रात में खून कर दिया। खून? खून मैंने नहीं किया। सेठ जी ने मुझे टेलीफोन करके फौरन बुलवाया। जब मैं यहां आया तो देखा कि सेठ जी मरे पड़े। खून के फैसले खूनी के बयान के मुताबिक नहीं होते हैं मिस्टर सुरेश। यहां की हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। आधी रात के वक्त तुम सेठ जी के बेडरूम में दाखिल, अपने हाथ से दरवाजा खोला और स्विच ऑन किया। हर चीज पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद होंगे। निशान तो इस खंजर पे भी होंगे जिससे तुमने सेठ जी का खून किया। खंजर? ये तो मेरा खंजर है, ये यहां कैसे आया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बहुत खूब, अब समझ में आया कि खूनी कौन है। आपको ये इल्म था कि सेठ जी ने फोन करके मुझे यहां बुलवाया है, और आपने फ्लोरेंस के जरिए से पहले ही मेरा खंजर यहां मंगवा लिया था। जितनी देर में मैं यहां पहुंचता, इस खंजर से आपने सेठ जी का खून कर दिया, ताकि खून का सारा इल्जाम मुझ पर आए। ए वेरी वेल प्लान मर्डर मिस्टर रंजीत। तो मैं भागा। कानून की नजर में यह केस शीशे की तरह साफ है मिस्टर सुरेश। सेठ जी ने तुम्हारी शराफत पर हमला किया, तुमने खून की धमकी दी, और आधी रात को सेठ जी के कमरे में घुस के अपने खंजर से उनका खून कर दिया। अब मुनासिब यही है कि बहादुरों की तरह अपने जुर्म का इकबाल कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वेट ए मिनट, मैं जरा पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं। क्या रहे हो? भाग जाओ यहां से, तुम्हारी खुशकिस्मती से दरवाजा भी खुला है। नहीं, भागने का मतलब होगा जुर्म का इकबाल। तुम खूनी नहीं हो, फिर तुम्हें भागने में क्या जरूरत? आया ना करो, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। यहां से भागोगे तो नहीं, इसी झूठ के पर्दे को फाड़ने के लिए तुम्हारा यहां से भाग जाना बहुत जरूरी है। नहीं, इसकी हिरासत में रहकर तुम कुछ ना कर सकोगे मिस्टर सुरेश। पुलिस के आने से पहले भाग जाओ, तो फिर रंजीत के आने से पहले भाग जाओ।
गाना है। मुझसे सेठ जी कहा करते थे कि कभी ये गाना उसकी बदनसीब माँ गाया करती थी। पुअर गर्ल, आई रियली पिटी हर। स्वस्थ मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं मारा जाऊं तो समझना मेरा कातिल रंजीत है। बेटा मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है। तुम खत मिलते ही फौरन पुलिस को। क्या पढ़ रही है? किसका खत है? चलिए एहसान फरामोश। बेटा खबरदार, जब तुमने मुझे हाथ लगाया तेरे हाथों से खून की बू आ रही है। क्या कह रही है सविता? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? बनता है बदमाश, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। तूने मेरे नाना का कत्ल किया, तूने मेरी माँ को टावर हाउस से गिरा के मार डाला, और तूने ही मेरी डैडी का खून किया, और तूने ही सुरेश पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जान ली है। जरा आहिस्ता बोलो सविता, ये जो कुछ तुम बकवास कर रही हो इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो मेरी माँ और दीदी के लिखे हुए खतूत। थैंक यू सविता, तुमने हमेशा के लिए सबूत को अपने पास महफूज रख लिया। चलिए मैं तुझे फांसी के तख्ते पे लटका कर ही दूंगी। कमीने, बदमाश। I pity you. You are sick. बेचारी पर फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। देखना ऐसी हालत में कहीं बाहर न जाने पाए, खास ख्याल रखना। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, मेरे पिताजी के होने का पता चल गया। What? क्या कहा आपने? जी हाँ, वो यहीं पर। प्लीज मेरी जान भी खतरे में, आप मेहरबानी करके जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो खूनी मुझे भी मार डालेगा। घबराइए नहीं, हम लोग फौरन आ रहे हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ तो बताइए आपके पिताजी का खूनी कौन है? ये रंजीत बड़ा खतरनाक आदमी है, इसी ने अफ्रीका में मेरे नाना को कत्ल किया। तो ये अफ्रीका में भी था? मेरी माँ ने टावर हाउस से खुदकुशी नहीं किया था, इसने मेरी माँ को मार डाला। तो फिर वो सुरेश? वो खूनी नहीं था,
बदनसीब की जान भी इसे नहीं ली, अब ये मुझे मार डालना चाहता है। प्लीज प्लीज एसपी साहब, उसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। आप घबराइए नहीं सविता देवी, हम उसे अभी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि जो कुछ आपने कहा है, कैन यू प्रूव इट? जी हाँ, मैं साबित कर सकती हूँ। वेरी गुड, क्या सबूत है आपके पास? मेरे मम्मी और डैडी के लिखे हुए खतूत। वेरी गुड, कहाँ है वो खतूत? जी वो तो मैंने खा ली है। प्लीज आप घबराइए नहीं सविता देवी, आप आराम कीजिए, हम अभी उसे गिरफ्तार किए लेते हैं। आई यू बेटर टेक रेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई है? कोई है? कोई है? मालूम होता है आपको पकड़ के लेकर गई। नहीं, तुम्हारे बयान से पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम पागल हो। पागल? हाँ, शायद ये बीमारी तुम्हें अपनी माँ से मिली। सुना है उसने टावर हाउस से कूद के अपनी जान दी थी। मुमकिन है तुम भी किसी ऊंची जगह से कूद के। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पल बनाकर किसी ऊंची जगह से नहीं गिरा सकते। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सविता, तुम जितना जोर से चिल्लाओगी लोग तुम्हें उतना ही पागल समझेंगे। सविता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यू आर सिक, लाई डाउन। I command, lie down. That's good. कौन था ये? अरे तो कोई पागल मालूम होता है, मैं तो कई रोजों से आ रहा हूँ। छोड़ो इस पागल को, चलो सविता को ढूंढो। हाँ, चलो। तो कोई बात नहीं, मैं खुद तेरे पास आऊंगी माँ, मैं खुद तेरे पास आऊंगी माँ, मैं खुद तेरे पास आऊंगी। Bye.
अच्छा हुआ हम लोग ठीक वक्त पर आ गए, वरना ये कूद कर जान दे देते। मिस्टर रंजीत, ऐसे मरीज को घर में रखना ठीक नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया जो है मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। नहीं नहीं जाओ, मैं मेंटल हॉस्पिटल में नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। इसने मुझे पागल बना रखा है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर सिक। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इनिशिएटिव दे दिया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं आपको घर छोड़ दूँ, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ हुई। तकलीफ तो आपने की मिस्टर रंजीत। एनीवे शी विल बी ऑल राइट। ठीक है रोग जी। अरे भाई यही तो बंगला है जहां सविता को रखना है। बिल्कुल चलो उतरो। चले चले कोई कसूर नहीं, एक छोटे से कद का मोटा आदमी था, उसने हमें धोखा दे दिया। एक छोटे से कद का मोटा आदमी, उसने तुम्हें धोखा दिया है? गेट आउट फ्रॉम हियर। फ्लोरेंस, ये एक छोटे से कद का मोटा आदमी कौन हो सकता है? धोखा तो तुमने मुझे दिया है। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है और आज पता चला कि श्रीमान का असली नाम है सुरेश रेणु। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने धोखेबाज हो। अगर तुम्हें इससे मोहब्बत थी तो मुझे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बादी? उफ़, क्या मुसीबत है। घबराओ नहीं, अभी आपके रास्ते से मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे अब अरे ले लो मीना, मीना की बच्ची कहाँ मर गई थी? जा जाकर अभी मेरी गाड़ी ले आ, मेरा मुंह क्या देख रही है? मैं इसी वक्त भी मैके जाऊंगी। भगवान, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। रेनू बात तो सुनो रेनू, ये क्या बचपना है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। मैंने आज इसे जिंदगी में पहली मरतबा देखा। हाँ भाभी, बेचारी गरीब मुसीबत की मारी है, इसे सहारे की जरूरत है। सहारा? सहारे के लिए मेरा पति ही मिला था, बड़ी आई मुसीबत की मारी। रेनू तुम चुप रहो जी, ये तो हथकंडे देख कर साफ पता चलता है कि ये रफा बच्चलन देश। ऐसा मत कहिए, जानबूझ के ऐसा नहीं, मेरी किसी शादी हम आ गई, उनकी से तलाब के पति से बहुत मिलती है। ये देखिए ये है उनकी तस्वीर, देखिए ना। हाय राम, ये तो बिल्कुल इनकी शक्ल है। मैं कह रहा था ना कि इन्हें कुछ धोखा हुआ है। क्या नाम है? कितने हफ्ते का रेनू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी दुनिया एक हसीन ख्वाब बन गई है। छोड़िए ना इन बातों को, आपकी हसीन ख्वाबों की दुनिया में तो आप हैं और आपका संगी। लेकिन तुम्हारे बाद Oh
एक अजीब सा सोच भी है। ऐसा मालूम होता है कि सुनने वाले को जलाकर राख कर देगा। काश मेरी आवाज में असर होता जी बाबू। ये सोच मेरे दिल की दबी हुई चिंगारी है। सोचती कहीं एक दिन ये चिंगारी मुझे शमशोला न बना दे। अभी तब है, गुजरी हुई बातों को भूल जाना चाहिए। चलो एक अच्छा सा गाना सुना दो। हाँ सुनाइए ना। गाना सुनिएगा जी बाबू। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राज खुश नसीब खोलो। देखो माँ, देखो तुम्हारा सुरेश आया। माँ 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 सुरेश माँ माँ नरो माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं। खूनी कहते हैं लेकिन मुझे यकीन है मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। कह दे बेटा तूने खून नहीं किया, कह दे तूने खून नहीं किया। मैं बेकसूर हूं मां, लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रखा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रखा। लेकिन बेटा ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है। आजकल मैं एक नाटक कर रहा हूं। नाटक करना छोड़ अब इसकी जरूरत नहीं, मेरा इलाज हो गया। देखो माँ, अगर ये दवाई नहीं पी होगी तो लो। अच्छा अब आराम कर, सुख जाओ सुख जाओ। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं। मुंशी जी, मुंशी जी का ख्याल रखना। यह
बाबू, आज आपने एक माँ की जिंदगी बचा ली, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, आप कुछ अफसोस में नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, बात यह है कि आपकी आंटी को देखकर मुझे अपनी माँ का ख्याल आ गया। आपकी माँ जिंदा है? बैठी बैठी आप बैठी। तो सविता को तुमने सुरेश के घर से निकलते हुए देखा, गुड न्यूज नो डाउट, लेकिन तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? उस तरह लड़कियों को फॉलो करने की आदत रंजीत को है, फ्लोरेंस को नहीं। गॉट इट। कितना खूबसूरत नेकलेस, ये क्या है? डायमंड हीरे। कैसे लगता है? लवली, वेरी फाइन डायमंड्स। फ्लोरेंस, ऐसे हजारों हीरे टावर हाउस के तहखाने के अंदर, अगर मुझे किसी तरह से उस तहखाने तक पहुंचने का नक्शा मिल जाए तो फ्लोरेंस मैं तुम्हें सर से पांव तक हीरों से जड़ दूंगा। तुम्हारे इर्द गिर्द हीरो का ढेर लगा दूंगा। हीरे, डायमंड्स, लवली, ब्यूटीफुल। सविता, बता ये नाटक क्यों खेला तुमने? ये रेनू कौन है? कब इससे मोहब्बत हुई? कब शादी हुई? अगर ये तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पैसे तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बताओ क्यों बर्बाद की तुमने मेरी जिंदगी? रेनू आ गई, रेनू आ गई। क्या बात है अजय, यहाँ क्या कर रहे हो? बात यह है कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एक धुन बना रहा था कि हॉल में सविता का रोने की आवाज आई, मैं यहाँ चला आया। बेचारी आज इसकी माँ से मिलकर आई है ना, इसीलिए सुरेश की याद आ गई होगी। याद के सिवा है भी क्या इस बेचारी के पास? सविता, शायद इन्हें नींद आ रही। अच्छा बहन, सो जाओ, मुमकिन है जो जिंदगी में नहीं मिला वो सपनों में मिल जाए। जवाब क्यों नहीं देती? मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े? आप वहां जाइए जहां आपके हसीन ख्वाबों की दुनिया आबाद है। अजय बाबू, अजय नहीं, सुरेश को। सुरेश मर चुका है। नहीं सविता, मैं मरा नहीं। रंजीत ने गाड़ी का ब्रेक जरूर खराब कर दिए थे, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ही मैं झाड़ियों में कूद गया था, और शायद अच्छा ही हुआ। दुनिया मुझे मुर्दा समझने लगी और मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका मिल गया। तुम्हारी ही फिक्र थी, जिसके लिए मैंने अपने दोस्त गोपाल को तुम्हारे पीछे साय की तरह लगा रखा था। गोपाल भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर अजय बाबू, कहा तुम? सविता, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, फिर तुम अपने सुरेश को क्यों नहीं पहचानती? अजय बाबू, सचमुच क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? क्या तुम वाकई ये समझती हो कि सुरेश एक्सीडेंट मारा गया? सविता बोलो, सविता, दुनिया जिसे मौत कहती है इससे पहले भी इंसान कई बार मरता है और जन्म लेता है। इस दिन सुरेश ने सभी लिमिटेड बेटी सभीता, अब डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं क्या करूं आंटी, सुरेश ने खुद ही भेजा है। लेकिन वो है कहाँ? तुम्हारे सामने तो है माँ। अब
अपने बेटे को नहीं पहचानती माँ? आजकल तुझे हो क्या गया है, जब देखो तब भैंस बदलता रहता है। बात यह है माँ कि मैं कानून की नजर में मुजरिम हूँ, जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करूँ मुझे इसी तरह रहना चाहिए। अच्छा अब तुम चलने की तैयारी करो, चलो। क्यों? मेरा यहाँ बार बार आकर आपको देखना खतरे से खाली नहीं है, और आप मेरे बगैर रहने, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको वहाँ ले जाकर रखूँ जहाँ मैं रहता हूँ। चलो चलो माँ, आप चलो। अच्छा बेटा, मुंशी जी मेरा सामान। कमलान जी, कमलान जी, कमलान जी, कमलान जी, कम मिस सबिता, यू आर गिविंग अस अ वेरी रफ टाइम। कहाँ थी अब तक आप? जी सुरेश, आ जा बेटा, सुरेश अभी तक जिंदा है तो मेरा शक सही निकला। ऑफिसर। यस सर। इस मकान की तलाशी लो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। ओके सर। अब फांसी के फंदे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मिस सविता को भी गायब करने में उसी बदमाश का हाथ। नहीं इंस्पेक्टर। बेबी प्लीज कम हियर, आप मिस्टर रंजीत के साथ घर जाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे हवाला आपने बंद कर दीजिए, लेकिन इसकी फिक्र मत कीजिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, ये बहुत खतरनाक आदमी, ये बहुत खतरनाक आदमी, ये इंसान नहीं हवाल है। अरे खूनी भी क्यों? आई रियली पिटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यू आर सिक। कोई फायदा नहीं। सर कोई पता नहीं चला, ना जाने कहां गायब हो गया। सरप्राइज। खैर कोई बात नहीं, वो ज्यादा दिन तक छुप कर कहां रह सकता है। कम मिस्टर जी, कम ऑफिसर, कम कम। लेके गोपाल विला पार्क स्ट्रीट चले आइएगा, गोपाल विला पार्क स्ट्रीट चले आइएगा, सविता की जान बहुत खतरे में है, मैं उन बदमाशों को पीछे जा रहा हूँ। गोपाल, गोपाल यार खत्म हो गया। गोपाल क्या हुआ? अमर सुन, मेरी आंखों के सामने रंजीत सविता को ले गया। और तुम देखते रह गए? नहीं तो क्या करता, रंजीत के साथ पुलिस थी, और सबसे बड़ा गजब तो ये हुआ कि पुलिस को ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। तूफान खेल बिगड़ गया। अरे खेल को गोली मारी है, अब सविता की जान खतरे में है, उसे बचाना है। तुम्हें मालूम है रंजीत सविता को कहां ले गया? गोपाल सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि यही नहीं मालूम। कुछ सोचो गोपाल। सोच रहा हूँ। सोचिए ना कुछ। हाँ मिल गया, तुम घबराओ नहीं, सविता का पता मैं लगाता हूँ। खेता जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम।
मतलब ये है कि मेरा नाम दाऊदीन सब्बा, अफ्रीका में रहता हूँ मैं। वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं हीरा बेचता हूँ, मोतीलाल बेचता हूँ, नहीं हीरा बेचता हूँ, मोती बेचता हूँ, लाल बेचता हूँ, ऐसा बहुत कुछ है। मेरे दोस्त मिस्टर दुर्गा दास, उनसे मिलना है। अच्छा लॉरेंस जी, क्या बात है? ये सिर्फ दुर्गा दास से मिलने आए हैं जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप सिर दुर्गा दास से क्यों मिलना चाहते हैं? ये भी आया हूं। प्लीज सिट डाउन। देखिए सेठ दुर्गा दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है। नहीं इंतकाल हो गया। खुदा उन्हें दिल नसीब करे। खैर कोई बात नहीं, उनकी बेटी सविता तो है, उनसे मिला दो। आप सविता देवी से मिलिए जी। हाँ अच्छा तशरीफ रखिए, मैं मालूम करता हूँ। लॉरेंस जी प्लीज कम। लॉरेंस ये मुसीबत का इससे कह दो कि सविता यहाँ नहीं। बिल्कुल ठीक। दैट्स राइट। सॉरी अरस्ता, सविता देवी बाहर गई हुई है। बाहर गई है? कोई बात नहीं, हम बड़े इंतजार करते हैं। इंतजार करने में कोई फायदा नहीं, आप अपना पता दे दीजिए, आने पर आपको खबर कर देंगे। पता? लीजिए ये मेरा होटल नंबर है, बता दीजिए बस। अल्लाह खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अब उन्हें बचाना। थिएटर जिंदाबाद। अरे गोपाल मिला हाथ, अपना वार कभी खाली नहीं जाता। कुछ सविता का पता चला? बिल्कुल। तो फिर उसे साथ में नहीं लाए? राणा सुन भैया, सविता ने रंजीत को रंजीत ने सविता को उसी के घर में कैद रखा है। कैद करके रखा? हाँ। तो फिर हमको किसी न किसी सूरत से सविता से मिलना चाहिए, उसकी जान खतरे में है गोपाल, उसकी जान खतरे में। लेकिन मैं वहां कैसे जा सकता हूँ, मेरे पीछे तो पुलिस लगी हुई। मामला खतरनाक है। क्या क्या क्या? आगे आगे आगे। किसी को पाके मेरे दिल का हाल मत पूछो, किसी को पाके मेरे दिल का हाल मत पूछो, कि जैसे सारे जमाने पे इश्क यार मिला, कि जैसे सारे। आपके रास्ते से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू थैंक यू। देखा फ्लोरेंस, मैंने उस अरब को पहले ही पहचान लिया था, और फिर तुमने इस सफाई से वो खत फेंका कि वो लोग उसे सविता का खत समझने लगे और कर उनको मौत के खुल में लगे। गोलियां निशाने पे पड़ी, और अब चौथी और आखिरी गोली सविता की मौत। हीरो पर कब्जा, और फिर तुम्हें हीरों की मलका बनाकर सीधे अफ्रीका। और देखिए रास्ता लगता है।
यहां कोई आया था और ये छोड़ गया। अरे भीगी है इसलिए भूल जाती है। अरे नहीं बेवकूफ, ये बात नहीं है। फिर कहीं से हवा आ रही है, इन पत्थरों में से कहीं से हवा आ रही है। गोपाल, गोपाल, गोपाल यहाँ। ये 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 पत्थरों में से रास्ता है गोपाल। शाबाश, शाबाश गोपाल, शाबाश गोपाल, शाबाश।
हैं जो ये बदमाश टावर हाउस के ऊपर से फिरा करते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये सेठ दुर्गादास की बीवी की रूह है। अच्छा हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ गोपाल? बुलाती है ये वहां सविता भी बुलाती है। मगर वो लड़की है कौन? सेठ दुर्गादास की लड़की सविता, जिसकी माँ बरसों से यहाँ कैद में है। मालिक ने आइडिया अच्छा निकाला, फेंक देते हैं और नीचे से पुतला भी गायब कर देते हैं। हमें काले कपड़े पहना दिए हैं ताकि हम सभी को भूत नजर आए। इसीलिए तो लोग इसे भूतों का अड्डा समझते हैं और दिन में भी यहाँ से कोई गुजरने का नाम नहीं लेता और मालिक अपना चुपचाप काम करते रहते हैं। अरे कहाँ थे तुम लोग? चलो खाना खाओ, चलो। अरे मुंह खोल के खाना खाओ, मुंह बंद करने का ऑर्डर बाहर के लिए। जी 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 क्या करते हो? मुंह खोलो जी। बात क्या है? मुंह खोलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें चीफ ने फौरन बुलाया है, चलो मेरे साथ। और देखो आज तुम दोनों को पुतला फेंकना है ना, याद है? जी। चलो मेरे साथ। कहाँ थे तुम लोग? मालूम नहीं कि वक्त हो गया है, ले जाओ इसे टावर हाउस पे ताकि बहुत जल्दी अपने सुरेश से जा मिले। जी हाँ, सुरेश बाबू दूसरी दुनिया में आपका इंतजार कर रहे हैं और अब आपको उनकी दिलजोई के लिए फौरन पहुंचना है। ले जाओ इसे। सुरेश से मिल चुकी? कौन था? मैं।
गोपाल। और ये रहा तुम्हारा देश। अब हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि पहले तुम्हारी माँ को बचाना है। हाँ, अगर वो दोनों भूल घुस में आ गए तो हम लोग दूसरा पड़ेगा। चलो सर, सर, सर। अबे बेहुदो नालायक को, इन कपड़ों में यहाँ चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर, सर, सर के बच्चे का हुआ क्या? मतलब दो आदमी थे, एक लंबा था एक मोटा था, हमें मार मार के बेहोश कर दिया और हमारे कपड़े पहन के भाग गए। ठीक क्या तुम्हारे साथ? गेट आउट फ्रॉम हियर। जरूर वही दोनों थे, लेकिन वो कुएं में से बचे कैसे? पक्षी। यस सर। जाके फौरन तलाश करो। यस सर। वो बच के तो जा नहीं सकते, इन भूल भुलैयों से तो उम्र भर नहीं निकल सकते। फ्लोरेंस। घबराओ नहीं, यहीं कहीं होंगे, हम लोग अभी ढूंढते हैं। अरे आगे बढ़ो भाई। हाँ कहीं पुतले, कहीं कुआ, कहीं क्या, कहीं क्या, वहां क्या बनाया भाई लोगों ने। नहीं, अपनी मानी। तुझे हजार वक्त मना किया है, एक काम के वक्त ऐसी हरकत मत किया कर। अगर इसको पता चल गया ना तो गोली से उड़ा देंगे। चल चल, तू तो आरोप ऐसा ही करते हैं। अरे चल भाई, चल चल तू तो ऐसे ही भगता रहता है। अरे तुमने उसको इधर से भागते हुए तो नहीं देखा था? किसको भाई? अरे मोटे को। मोटा? कौन मोटा? हमें तो पुतला फेंकना है। कुछ चल भाई चल, उतने को फेंकना है। अरे भाई, आज इस पुतले में वजन कैसा? चल यार चल, तुझे तो ऐसे ही वजन मालूम हो रहा है। गोपाल का कहीं पता नहीं चला? गोपाल के तुम फिक्र मत करो, यहां से निकल चलेगा। अरे रख भाई रख। आओ भारी से भी ठीक है, बहुत भारी लगा। जा तू मेहताब जला। अच्छा जला दी। तो भी हिलते नहीं। अच्छा, आज तीन भूत लग रहे हैं। ठीक है, शेर सिंह, पदम सिंह, तुम लोग जाएं, खड़े खड़े बात करो, मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ। हमसे धोखा। सर क्या हुआ? मैंने बोला नहीं,
हमने हर जगह तलाश किया, दोनों से एक भी नहीं मिला। और क्या सविता? सविता क्या हुआ? सविता ही गायब हो गए। अच्छा हुआ सतीश, ठीक कहते थे ये रास्ता मालूम होता है। चलो अंदर चलो। यहाँ खेस कर लाया हूं। देख आप तो पागल हैं,
अगर मैं आपको यहाँ से नीचे फेंक दूं तो लोग यही समझेंगे कि एक पागल लड़की ने टावर हाउस से गिरकर खुदकुशी कर ली, और आप आप खूनी हैं। अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आपको गोली मार दूं तो मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। गेट रेडी। अगर मैं खुद बधाइयां पहुंच जाऊं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं सकती, लेकिन तुम्हें उसका पता मालूम है और मैं उससे पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। अरे ये सांप ने शेर खा गया था। शेर ने न मेरी टांग को खाया है और न मेरी आंख को। वो मेरा पाप, ये ड्रामा मैंने तुम सबकी आंखों में खून छूटने के लिए किया था। हासिल करके मैंने तुम्हारे डैडी को खत्म किया और अब तुम दोनों को खत्म करके मैं तमाम हीरो को खत्म करूंगा। Thank you.
cover. Give him cover fire. You're a very brave man indeed. Ghost? I don't believe it, ghost. What's that?